दुकान पर तो प्योर मिलता है ही नहीं, सिर्फ नवी चीज दिखाता हूँ। ये देखिए क्या है इसमें, बोलते ना जी होने दे दो खेलेगा ये, पहले बोलती किसको नहीं इधर आने दे दो, ये सिर्फ ऐसे ही है ना। क्या रोटी देता था हमेशा, जब भी यहाँ पे आते थे रोटी देता था खाने के लिए, और मतलब एवरीवन कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी देखिए एक पंगा हो गया, पंगा ये हो गया कि ब्रूनो को लीजा ने काट दिया हुआ है, तो मैंने अभी इसको देखा तो आपको दिखाता हूँ गाइस। मैंने अभी देखा यहाँ पे, मैं बाहर आया था तो ब्रूनो के तो खारिज कर रहा था, मैं उसके पास गया तो देखा उसके गले से खून आ रहा था, तो मैंने कहा ऐसा क्यों है, तो अभी देखिए आपको दिखाता हूँ। मम्मी भी यहाँ पे, मैंने मम्मी को दिखाया, तो ब्रूनो दिखाना जरा, दिखाना कहाँ पे काटा है, ये देखिए, ये देखिए गाइस यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए उस लीजा ने काटा हुआ है उसको, क्या करना उस लीजा। मैं पहले बोल रही ना कि इसको नहीं गिजाओ इधर, बुंजो यहाँ पे, तभी ये थोड़ा थोड़ा सुस्त सा हो गया ना, तो अभी इसको क्या है, उसको नहीं काट दिया हुआ यार लीजा ने, उसको मैं बेचारा रोटी देता था हमेशा, जब भी यहाँ पे आते थे रोटी देता था खाने के लिए, और मतलब इसका खेलती भी थी, लेकिन उसने इसको पता नहीं क्यों दांत लगा दिए हुए और पूरा काफी ज्यादा डीपली खून निकाल दिया हुआ है। ये देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे खून निकाल दिया है, ये देखिए, ये बस बस। तो अब चलो इसको लगाएंगे, इसको दवाई वगैरह अभी थोड़ा सा, तो बाकी अब लीजा को तो अब यहाँ पे आने नहीं देंगे, है ना, वो लड़ते हैं ना, इसको आने नहीं देंगे अब हम, लीजा को नहीं आने देंगे, वो इसकी वजह से ना उसको थोड़ा वो भी लग गए हुए हैं, मतलब जो टिक्स एंड फ्लीज होती हैं वो भी इसको लगी हुई हैं, तो अभी उसको क्या करेंगे, आने नहीं देंगे और क्या ना, हमने सोचा चलो उसके साथ आती है खेलती है, लेकिन यहाँ पे उसको अब जाले काट दिया, तभी थोड़ा सुस्त सा भी हो गया ये उसकी वजह से। तो मैं पहले बोलती कि इसको नहीं इधर आने दे दो, ये सिर्फ ऐसे ही है ना, इसको काटने की जांच नहीं है, सिर्फ आदमी के लिए ये भोंकता बहुत, लेकिन जब पास में कोई आए तो शायद है ना। हाँ तो अभी देखो उसने कितना जख्म बना दिया इसको, तब से ये सुस्त पड़ा है ये। गाइस जैसे कि हमने देखा हुआ लीजा को है तो वो छोटी सी है, लेकिन दांत तो फिर पकड़ती है ना, बहुत बड़े बड़े दांत हैं, दांत उसके थोड़े गले से उसने पकड़ लिया तो खून निकाल दिया हुआ है, तो अभी वो वहाँ पे बैठे हुए हैं बेंच के नीचे, वहाँ से वो मतलब बाहर भी नहीं आ रहा, तो उसको दवाई भी अभी लगा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा घुमाने के बहाने लेके आऊंगा वहाँ पे जहाँ पे उसको नहलाते हैं वहाँ पे, फिर हम उसको दवाई लगाएंगे और देखेंगे कैसा उसका जख्म है, और उसके जख्म पे ना एक थोड़ा सा टिक्स भी चिपकी हुई है, तो उसको उसको भी निकालेंगे, तो अभी लेकिन वो पहले वहाँ से बाहर निकल जाए, इसको देना नहीं मिलने किसी को कुत्ते को, ये कुत्ता ये थोड़ा कभी थोड़ा अभी सुस्ता भी हो गया ना, और क्या, तो चलो अब ये दूसरा चीज है, ये दे ये बस भोंकने में है और लोगों को देखने में डर लगता है, ये बोलते ना जी होने दे दो खेलेगा ये, खेला इसने अभी इसका कितना गले में, चलो करेंगे उसको दवाई लाएंगे ठीक हो जाएगी, खेलते खेलते किया होगा उसने भी है ना, वैसे क्यों काटा, ऐसे खेलते रहते थे, चलो खेलते खेलते उसने कर दिया उसको, तो अब देखते हैं। बड़ी वो तेज है। बाकी अभी धूप काफी ज्यादा निकली हुई है तो हम बाहर निकले थे, तो मैंने कहा क्या क्या बताएं, ब्रूनो के साथ एक कर दिया उसने पंगा, तो अब इसी को थोड़ा दवाई वगैरह लगाएंगे, लेकिन अब वहां से निकलेगा बेंच के अंदर से, जब ये निकलेगा तब है ना, फिर इसको लगाएंगे दवाई, अभी अंदर ही चलते हैं। चलो ब्रूनो, ब्रूनो आपको उसने काटा है, ब्रूनो बेचारा, ब्रूनो 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 उसने काटा था, लीजा ने काटा था, ये देखने में काफी ज्यादा मतलब लगता है, बड़ा लगता है और भौंकता भी बहुत ज्यादा है, इसकी आवाज जो भौंकने की है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके सामने है कि बस अभी मम्मी आए हैं दवाई लेके, तो इसको थोड़ा सा दवाई लगा देते हैं, बेटाडीन लेकर आए हुए तो वो इसको लगा देते हैं दवाई, बेटाडीन लगा लेते हैं उसको, बेटाडीन वो हाँ ये ना ये वाली लगा लेते हैं, बेटाडीन पाउडर भी है इसका, लेकिन पहले ये लगाते हैं बेटाडीन, लगा ये लो तो ये पकड़ो उसको, बेटाडीन है लेकर आया हूँ, ब्रूनो उसने लगाई थी, कॉटन में थोड़ी सी निकाल लेते हैं, वो थर करबा ये सोच रहे, ओ ओ ओ माय गॉड, ब्रूनो सोच रहे कि उसमें को ये लगानी है, दवाई लगानी है, लग गई है, अच्छा कहाँ लगी थी, दिखा दिखा ब्रूनो दिखा ब्रूनो, कहाँ फांसी थी, बस कुछ नहीं कुछ नहीं, सर पहले भी कुछ इंसिडेंट ऐसे हो रखे हुए हैं, एक बार इसके कान में चला गया था पानी, जिस वजह से इसका इसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, और ये बोर्ड ये लगाना, बस ब्रूनो फिर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक चलो।
अभी ठीक हो गया ये। ये बेटाडीन लगा दी हुई है और ये पहले घबरा गया था, बहुत ही ज्यादा शिवरिंग इसको हो रही थी, लेकिन अभी ठीक हो गया हुआ है तो इसको यहाँ बांध देते हैं। चल ब्रूनो आ जाओ ऊपर, तो ये चला गया नीचे, ये देखिए बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई लगा दी है इसको हमने। बस अभी मौसम काफी ज्यादा लेकिन अच्छा हो गया, वैसे हवा चल रही है बहुत ही प्यारी प्यारी। पहले मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ अपने, तो भी हम ब्रूनो को भी एक बिस्किट दे देते हैं। जैसे कि हम बचपन में जब हम कभी भी छोटे हुआ करते थे तो हमें इंजेक्शन लगाया जाता था जब, तो मम्मी पापा हमें बिस्किट देते थे, कहते हैं अगर इंजेक्शन लगवाएंगे तो बिस्किट मिलेगा। तो वैसे ब्रूनो ने हमें दवाई लगाने दी है तो उसको हमें एक बिस्किट दे देते हैं। ब्रूनो ले, हाँ देते हैं उसको बेचारे को। गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह सुबह निकल चुकी है बहुत ज़्यादा खतरनाक धूप, और इसी बीच में हमारे पापा यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं कुछ, मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ, मम्मी भी हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूँ कि जो ब्रूनो को मैं कल कहा था कि उसको लीजा ने काटा है, लीजा ने उसको काटा नहीं है, उसको वहीं पे एक तार थी, तार से उसको लगी है, क्योंकि मैंने उसका ब्लड वगैरह देखा वहाँ पे तार के साथ लगा हुआ था, तो मुझे पता लग चुका है कि उसको लीजा ने नहीं, उसको वहाँ पे उसको लीजा ने नहीं काटा, क्योंकि अगर लीजा ने काटा तो उसके दो दांत लगते नीचे भी और ऊपर भी, लेकिन उसको एक ही थोड़ा सा मतलब अच्छे से मैंने देखा, तो तार से उसको लगी हुई है और तार के वहाँ पे ब्लड भी लगा हुआ था, तो मुझे पूरा क्लियर हो गया कि उसको लीजा ने नहीं काटा है, क्योंकि उसके साथ वो पहले भी खेलती थी, तीन चार दिन पहले भी उसने खेला, तो ऐसा नहीं हुआ है, और तार के साथ ही उसको लगी है। और अभी ठीक है ब्रूनो हमारा ठीक है, और ये देखिए आज हमको दिखाते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो आज ये देखिए, आज हमने आपको एक नवी चीज दिखाता हूँ, ये देखिए क्या है इसमें, ये है गाइस सरसों, हमारे खेत का घर का जो मैंने लगाया हुआ था घर का सरसों, तो ये बोतल होगा, गिर भी रहा था यार थोड़ा सा गिर गया, तो अभी इसमें कुप्पी भी चला रहे हैं पापा, ये आ जाएंगे मशीन में, इसका बनेगा मम्मी बताएंगे इसके बारे में। चलो मम्मी बताओ क्या हो रहा है आज, इसका तेल निकालेंगे, तेल हाँ सरसों का तेल प्योर मस्टर्ड, इसलिए हाँ इसलिए तो बेचते हैं कि भाई चलो तेल, ये घर का प्योर तेल होता है ये, अच्छा दुकान पर तो प्योर मिलता है ही नहीं, सिर्फ बोलते हैं हाँ जी पी मार का, मगर उसमें बिखार कितनी मिलावटे होती हैं, मगर ये घर का जो है ये असली पी मार का बन जाता है। अच्छा तो आज ये तेल आज ले रहे हैं पापा, लेके जाएंगे ये बोरी में, हमने सरसों रखा हुआ है ज्यादा तो नहीं है थोड़ा, तो लेकिन इस एक 5 लीटर हमारा तेल निकल जाएगा इससे। पापा यहाँ पे कर रहे हैं अपना कुछ काम, ब्रूनो हमारा वहाँ बैठा हुआ है, तो लीजा ने नहीं काटा है तो अच्छी बात है, जब दवाई लगाने लगे एक ही जख्म में, एक ही जख्म उसने लीजा ने पकड़ा होता तो उसको ऊपर भी होता है, नीचे जो कोई भी डॉग इसको पकड़ता है तो वो अपना पूरे मुंह से पकड़ता है तो ऊपर नीचे के दांत पकड़ते हैं, लेकिन उसको बस नीचे था, और वो दांत नहीं है, जब मैंने उसको अच्छे से देखा दांत नहीं है, वो एक खोच सी है, तो वही खोच उसको वहाँ पे तार है जिससे बांधते हैं उससे लगी हुई है उसको, तो अभी वो सुन रहा है बातें हमारी, तो बस अभी हम यहाँ पे, तो फिर मिलते हैं आपसे।